तो वो आंसर देंगे नहीं तो हम फटाफट -फड़ से अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे सर मेरा ये था कि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते, like करते हैं तो कोई भी हमारा वीक एरिया होता है कॉम्पिटिशन देखता है तो डर लगता है कि और लोग हमसे बेटर हैं या हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो उस चीज को कैसे बीट करके अल्टीमेट गोल तक पहुंचना है गुड क्वेश्चन आंसर दे हाँ सब चाहते हैं पहली बात तो ये कि, आ... मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मत सोचो दूसरे क्या कर रहे हैं हो सकता और मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग हो क्योंकि मैं ये कहता हूँ अगर आप आई टी जे नीट की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले दस मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना तो इंडिया के सौ बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं फिर दस मिनट नहीं पढ़े सौ बच्चे और आ गए दस मिनट नहीं सौ बच्चे और आ गए तो मैं इस चीज का ट्रैक रखता था जो आप कह रहे हो ना कि आपको एंड गोल तक पहुंचना है ना तो बेटा एंड गोल ऐसा नहीं है कि एक लास्ट डेस्टिनेशन आपने फिक्स कर ली और आप चल दी हो जैसे मान लो अगर आपको सपोज कर लो आपको खाना बनाना है और टेस्टी पनीर की सब्जी खानी है तो जिस टाइम आप प्याज काट रहे हो उस टाइम प्याज काटने के बारे में ही सोचोगे ना ना उससे आप ना नहीं सोचोगे पड़ोसी घर में क्या बन रहा है आपको अपनी सब्जी सबसे टेस्टी बनानी रहती है फिर प्याज को की काटा, अपने से बेस्ट काटा। और पूरे टाइम दिमाग में यह है सब्जी अपनी सबसे ये पूरे टाइम चलता है पर हर स्टेप को अपने आप में अलग रखना चाहिए तो स्टेप बाई प्रोसेस को ब्रेक करो और दूसरों वाले में यही है की जब भी तुम अपना दस पंद्रह मिनट वेस्ट करो तो खुद को सजा दो बोलो यार क्या कर रहा है यार तू एक रूल बना लो अपना कि हर दस मिनट जब वेस्ट कर रहे हैं सौ बच्चा अपन से आगे निकल रहा है एक्सीलेंट okay. yeah, आंसर अब बताइए कौन है जो पूछना चाहते हैं या चाहते